चलो, आई होप तुम लोग सभी अच्छे हो और तुम लोग स्ट्रेस नहीं हो रिगार्डिंग व्हाट एवर एग्जाम इज कमिंग. ठीक है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है. स्ट्रेस लेने से कोई चीज कुछ भी हल होगा नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. हमें क्या ढूंढना है, हमें ये देखना है कि कैसे काम किया जाए सो दैट चीजें अचीव हो सके, है ना. स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी. तुम्हारा बोर्ड देखो, मैं बोर्ड की बात कर रही हूँ, बोर्ड तो तुम्हारा काफी अच्छा चला जाएगा इफ यू आर रियली फोकस्ड इन द क्लास. लास्ट का जो तुम्हारा जो जैसे देखो, अगर मार्च में एग्जाम होता है ना, तो फेब्रुवरी के जो लास्ट वाले डेज होंगे, आई मीन 15 फेब्रुवरी के बाद से तुम लोग फोकस स्टार्ट करना. फोकस स्टार्ट करने का मतलब वे ऑफ राइटिंग पे एंड ऑल, वो काफी होगा. ठीक है, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो. यू हैव एनफ टाइम, अभी के लिए कॉम्पिटिटिव मोड में रहो. उसके बाद बोर्ड के लिए भी वी विल गाइड यू, आई विल गाइड यू फॉर श्योर, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है. जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा. ओनली थिंग इज कि हाउ यू विल राइट योर पेपर, दैट मैटर्स. तो वो तो तुम्हारे स्कूल वाले भी काफी अच्छे से बताते हैं, है ना. नवोदय में टीचर्स काफी अच्छे से बताते हैं कि पेपर्स को कैसे लिखा जाए सो दैट यू विल गेट लॉट्स ऑफ मार्क्स, है ना. और नवोदय में बच्चों के मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं. सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. नाउ लेट स्टार्ट विद द क्लास. क्लास में क्या पढ़ाने वाली थी मैं, लाइक व्हेन वी मेट इन द लास्ट क्लास बिफोर योर एग्जाम, आई सेड यू लाइक कि आई विल बी डिस्कसिंग लास्ट लेग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. और उसमें क्या बचा हुआ था हमारा, एलसी ऑक्सीलेशन आई प्रॉमिस टू डिस्कस एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये तो मैंने ट्यूजडे को डिस्कस किया. आज के क्लास से आई वॉज टू डिस्कस रे ऑप्टिक्स, बट चलो ठीक है. प्लीज यार तुम लोग क्लास मिस मत किया करो, हमारा सिलेबस ना ऐसे पीछे चला जाएगा, है ना. हमारे पास टाइम कम है, बट स्टिल अभी से भी हम सिंसियर रहे तो हमारे पास बहुत टाइम है. वी कैन पुल आउट सो मेनी थिंग्स. ओके, तो रिविजन में मैं ये बताऊंगी कि देखो एलसी सर्किट में, जैसे मैंने तो अब तक सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ा दी. सो वी टॉक अबाउट व्हाट इज एसी करंट, व्हाट इज डीसी करंट, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इट. देन आई डिस्कस्ड अबाउट प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एंड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट एलसीआर सर्किट. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट रेजोनेंस, वी डिस्कस अबाउट पावर इन एलसीआर सर्किट. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की. तो मैं इन सारी चीजों को एक सर्किट से एक्सप्लेन कर दूंगी इन रिविजन, और वो एक सर्किट हमारा क्या होगा, एलसीआर सर्किट. ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर बनाया. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. यहाँ पे हमने कैपेसिटर बनाया, यहाँ हमारा इंडक्टर है, एंड दिस इज आवर रजिस्टर, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, है ना. और ये बैटरी हमारा क्या था, एसी बैटरी है. क्लियर है, एसी बैटरी जब भी हम ले रहे थे, हमने वोल्टेज को कैसे लिखा था, हमने वोल्टेज को ऐसे लिखा था. ठीक है, और एलसीआर सर्किट में इफ यू रिमेम्बर आई सेड कि करंट को कुछ भी मान लो, है ना. तो करंट को कुछ भी मानने का मतलब क्या लिखोगे, करंट इक्वल टू क्या होगा, आई इन मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. फाइव इज व्हाट, फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज क्या है. प्योरली रेजिस्टिव में 0 होता है, प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव में क्या होता है, 90 डिग्री होता है. एक केस में करंट लीड करता है, दूसरे केस में करंट लैग करता है. बट अगर किसी सर्किट में तीनों ही है, एल सी आर है, तो फाइ कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो हमने सिंपली करंट को ऐसे एज्यूम किया था. उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि डायरेक्टली एक काम करो, एक ट्रायंगल बना लो. तो मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया, यहाँ पे आर लिख लो, हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंस को डाल दो, और यहाँ पे क्या डालोगे, एक्सी माइनस एक्सएल. नाउ व्हाट इज दिस एक्सी एंड व्हाट इज दिस एक्सएल. सो एक्सी इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, यानी कि ये भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू है. डन, एंड इट्स वैल्यू इज 1/ओमेगा सी. सिमिलरली एक्सएल इज व्हाट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट्स वैल्यू इज ओमेगा एल. राइट, ये आप लोग पढ़ चुके हो. डन, सो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल आई एम लेटिंग यू नो कि सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज फाइव. डन, अगर अब तुम्हें फाइव निकालना है तो बहुत ही इजिली निकाल लोगे. टेन फाइव अब क्या लिखोगे, आप टेन फाइव लिख लोगे एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट फाइव ओवर. अब देखो फाइव तो मुझे मिल गया, और क्या
और वेरिएबल क्या है, आई एम. सो आई एम इज वॉट, मैक्सिमम करेंट. नाउ करेंट इन दिस सर्किट, कोई भी सर्किट में करंट कैसे निकालते थे हम लोग, करंट निकालते हैं नेट वोल्टेज इन द सर्किट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे सर्किट में नेट वोल्टेज क्या है कोई भी टी टाइम पे, तो हमारे सर्किट में नेट वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी. नेट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस हियर. तो उसको हमने डिफाइन किया था, जेड को क्या लिखा था हमने, देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ना तुम्हें, ये रेजिस्टेंस वाला डायग्राम है. एक रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्स सी माइनस एक्सएल है वाई एक्सिस के अलोंग, और दूसरा रेजिस्टेंस है रजिस्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग. सो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट. ये वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं, है ना. तो अगर आप इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा, मुझे बताओ क्या आएगा. तो यहाँ पे तुम इसका रिजल्टेंट, सिंपल है यार, वेक्टर है, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट, राइट. सो एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर. ऐसे भी इसको ट्राइंगल के लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, हाइट है, बेस है, हाइपोटेनस निकालनी है. सो दिस इज दिस, एंड दिस जेड इज कॉल्ड व्हाट, दिस जेड इज कॉल्ड योर रिएक्टेंस, ठीक है. यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज, ठीक है. तो ये मिल गया. अब देखो इस सर्किट में अगर तुम्हें करंट निकालनी है तो आप करंट लिखोगे. करंट कैसे लिखते हैं हम, करंट हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज इन द सर्किट, दैट इज योर वी नॉट. सो आई एम कैलकुलेटिंग आई एम ना, मैक्सिमम करंट निकाल रहे हो, ठीक है. तो वोल्टेज भी क्या लोगे, मैक्सिमम. तो अब आप ले लो वोल्टेज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, वो क्या लिखोगे आप, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट. सो दिस इज योर आई एम, ठीक है, डन है. तो यहां तक तुम लोग समझ गए होगे आई होप. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. अगर तुम्हें कोई भी सर्किट दिया हुआ है ना, अगर सपोज कर लो एल आर सर्किट दिया है तो उसमें सी नहीं है, तो सिंपली एक्स सी को जीरो कर लोगे और सेम कैलकुलेशन होगा. Only XC is zero. If circuit is RC circuit, तो तुम क्या करोगे? L को, XL को zero कर दोगे, ठीक है? And you will calculate all this, so you will be able to do it, ठीक है? अब power कैसे निकालते थे हम लोग? Power हमारा था Vrms Irms cos phi. अब देखो यहाँ पे भी tension यही है कि cos phi कैसे निकाला जाए. अगर तुम्हें V का इक्वेशन दिया हुआ है वी आर एम एस, यू कैन कैलकुलेट. आई का इक्वेशन दिया हुआ है आई आर एम एस, यू कैन कैलकुलेट. फॉर प्रीवियस जनरल केस जो मैंने यहाँ लिया है, इस केस में तो वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू होगा वी आर एम एस, है ना. और इस केस में भी आपका वी आर एम एस क्या होगा, आई, इस केस में भी वी आर एम एस होगा आई एम बाई रूट टू. सो इफ दैट इज द जनरल, इफ दैट इज द केस, तब तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा. अदरवाइज जो भी इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें सर्किट में, उसका आरएमएस वैल्यू निकालोगे, ठीक है. और कॉस फाइव, फाइव कैसे निकालेंगे, अगेन उसी ट्रायंगल में जाओगे. ये जेड था, ये तुम्हारा था एक्स सी माइनस एक्सएल, और ये था आर, ये था फाइव. टेन फाइव अब क्या लिखोगे, टेन फाइव सॉरी कॉस फाइव अब क्या लिखोगे, कॉस फाइव लिखोगे आर बाई जेड. सो योर क्वेश्चन इज सॉर्टेड, राइट. सो यू कैन कैलकुलेट पावर, डन है. तो कोई भी सर्किट में अगर तुम्हें एसी सर्किट दिया हुआ है, करंट पूछ सकता है, वोल्टेज पूछ सकता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, सॉरी करंट पूछ सकता है, पावर पूछ सकता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्या वोल्टेज पूछ सकता है, या फिर एक जो नया टर्म था जो जिसपे हमने क्वेश्चन भी किया था, दैट वॉज योर वॉटलेस करंट, ठीक है. तो वॉटलेस करंट क्या होता है, तो वॉटलेस करंट वो करंट होगा जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन जीरो होगा. जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ले लू, ठीक है, सपोज कर लो, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होगा उस केस में, तुम्हारा आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में बोल रही हूँ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मुझे बताओ प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कंजम्पशन क्या लिखोगे, जल्दी से सारे लोग मुझे टेक्स्ट करो क्या आ रहा है. इफ सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, जल्दी से बताओ, यू डोंट नीड टू टेक दिस मच ऑफ टाइम. क्या हुआ बताओ, प्योरली इंडक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इफ सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव मीन्स
एक्स इज जीरो, आर इज जीरो, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अगर आर जीरो है, आर जीरो है तो तुम्हारा सॉरी आर का वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जेड और आर के बीच, सॉरी जेड जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में मुझे बताओ पावर कंजम्पशन तुम्हारा कितना आएगा, जल्दी से बताओ। फाई क्या है तुम्हारा? फाई को ध्यान से देखो ना, फाई क्या है तुम्हारा? एंगल है जो कि तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस बना रहा है, किससे? ये वाले लाइन से बना रहा है, ठीक है? तो अगर मेरा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, कुछ ऐसा सर्किट है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ एक्सएल होगा, राइट? सो एक्सएल ही तुम्हारे जेड के बराबर है और आर तो है नहीं, डन? सो यहाँ पे देखो, ये एक्सएल होगा और ये एक्सएल और जेड के बीच में क्या डिस्टिंक्शन होंगे? एक्सएल और जेड सेम है ना? और अगर एक्सेल और जेड सेम है तो ये ट्रायंगल तुम्हारा कैसे बनेगा? ये तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये एक्सेल हो गया और ये ही जेड के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, हाइपोटेनस वाला लाइन है, वो वर्टिकल से अलाइन हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ये वर्टिकल से अलाइन हो गया तो ये एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। नेट रेजिस्टेंस जो है वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे फाइ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90, यानी कि पावर कंज्यूम क्या होगा? जीरो। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली प्योरली कैपेसिटिव में भी तुम्हें डायग्राम ऐसा ही दिखेगा ना, ये एक्स ही होगा, ओनली दिस लाइन विल बी देयर, ये लाइन तो तुम्हारा होगा ही नहीं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो हमारा एक्स ही है वो कुछ इक्वल टू जेड हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है? एंड हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट विल अगेन बी इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। सो उस केस में भी पावर कंजम्पशन क्या होता है? जीरो। तो वॉटलेस करंट कैसे निकालोगे? एलसीआर सर्किट में आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ यू विल कैलकुलेट? जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है एक्सी। मैं, तुम लोग इतने शांत बैठे हो ना, मुझे लग रहा है मैं क्लास में ही नहीं हूँ, कुछ तो बोलो। ये एक्सी माइनस एक्सएल है, ठीक है? और तुम्हें याद होगा कि ये जो है आर, जो है आर को इस लाइन से इंडिकेट किया है, तो वी आर को भी इस लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में किया था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक्सी माइनस एक्सएल को हमने इधर ड्रॉप किया है, सेम काइंड ऑफ डायग्राम हम बना सकते हैं किसके लिए? वीसी माइनस पीएल के लिए। तो सिमिलर डायग्राम वी कैन ड्रॉ लाइक कि वी आर इधर होगा और तुम्हारा ये वीसी माइनस वीएल किधर होगा? इधर होगा, ठीक है? अब तुम्हारा जो करंट है, सपोज कर लो नेट वोल्टेज इधर होगा, नेट वोल्टेज इधर होगा, ठीक है? तो नेट वोल्टेज तुम्हारा क्या था? वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, है ना? नेट वोल्टेज यही था। करंट का डायरेक्शन इधर ले लो, आई इधर मैंने क्यों लिया? ये एंगल फाई हो जाएगा। इधर करंट के डायरेक्शन को क्यों लिया? क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा ही करंट से फेज में होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को याद करो, मैंने बताया था कि करंट और वोल्टेज हमेशा क्या होगा? फेज में होगा। तो यहाँ पे तो ये दोनों फेज में है, इसलिए मैंने नेट करंट को वी आर के अक्रॉस बना दिया। अब देखो, ये जो तुम्हारा है, ये जो आई है, जो आई तुम्हारा वी आर के अलोंग होगा, एक्चुअली इस डायग्राम को हमें डिफरेंटली बनाने की जरूरत है, अदरवाइज वी वोंट रीच टू द कंक्लूजन। तो एक काम करो, मैं तुम लोगों को विदाउट गेटिंग कंफ्यूज एंड लेटिंग यू नो, एक काम करो, यहाँ पे आई ले लो, ठीक है? और ये एंगल है तुम्हारा फाई एंड दिस इज योर वोल्टेज वाला लाइन, ठीक है? बस इतना शॉर्ट में याद रखो कि दिस इज योर नेट करंट, ये नेट वोल्टेज वाला लाइन है, दिस इज फाई। सो आई का जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल के अलोंग जो होगा वो वॉटलेस होगा, ठीक है? इतना याद रखो अभी के लिए। और जो आई का कंपोनेंट इधर होगा वो क्या होगा? वो पावर कंजम्पशन में हेल्प करेगा, सिंपल सके।
ठीक है, सो लेट इट कट शॉर्ट। पावर क्या है तुम्हारा? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई कहाँ से निकालोगे? इस ट्रायंगल से। प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को के केस में हमारा पावर कंजम्पशन क्या होता है? जीरो होता है। उस केस में फाई 90 डिग्री होती है। वॉटलेस करंट हम कैसे निकालेंगे? करंट का वो कंपोनेंट जो हमारा वी आर के अलोंग होगा, जो कंपोनेंट हमारा वी आर के अलोंग होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो हमारा पावर कंजम्पशन में जाएगा, और जो एक्सी माइनस एक्सएल के डायरेक्शन में होगा वो वॉटलेस होगा। सो वॉटलेस करंट कितना होगा? अगर फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का फाई है तो आई साइन फाई विल बी द वॉटलेस करंट। वैसे मैंने करवाया था तुम लोगों को तो याद भी होगा। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मैंने तुम लोगों को बताया था। रेजोनेंस हमें कब अचीव हो रहा था? रेजोनेंस का मतलब क्या था? जब हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, और सर्किट में सर्किट का जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू था वो कितना था? वो था तुम्हारा वी एम बाई एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, यानी कि एक्स सी माइनस एक्स एल को हमने क्या किया था? जीरो। तो हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना आया था? ओमेगा आया था 1/√LC, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने बुलाया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट ग्राफ कैसा होगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो वो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? ये मैक्सिमम करंट था, और ये मैक्सिमम करंट जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा था उसको हमने क्या बोला था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने करंट के दो वैल्यूज लिए थे, एक था तुम्हारा I0/√2, दोनों ही I0/√2 थे, और ये वैल्यूज हमें दो फ्रीक्वेंसी पे मिल रहे थे, ω1 और ω2, और यहां से ये डिफरेंस था डेल्टा ओमेगा, ये डिफरेंस था डेल्टा ओमेगा। विथ ऑफ दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा, एंड इट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन किया था, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी बुलाया था हमने। सो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना आया था? R/12। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा? 2R/12। तो हमारा सॉरी हमारा वैल्यू कितना था? ओमेगा नॉट L/R। दिस इज क्वालिटी फैक्टर, राइट? ठीक है, सो जिस सर्किट का शार्पनेस ज्यादा होगा उस सर्किट का क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर भी ज्यादा होगा। शार्पनेस ज्यादा कब होगा? मैंने बहुत ही डिटेल में तुम लोगों को बताया था कि अगर रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो आई मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होगा, और उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो काफी ज्यादा पॉइंटेड होगा, शार्प होगा। ठीक है, सो बैंडविथ भी उस केस में क्या होगा? छोटा होगा, और उस केस में हमारा शार्पनेस ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक, दिस थिंग। सो नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एलसी ऑक्सीलेशन। ठीक है, चलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस द एलसी ऑक्सीलेशन। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। मैंने एक सिंपल से एक केस लिया, यहाँ पे तुम्हारे पास कैपेसिटर है और दूसरे एंड पे क्या है? इंडक्टर है। ये है क्या? पहले हम लोग एलसी सर्किट को एनालाइज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सपोज मैंने ये कहा कि कैपेसिटर है एक, ठीक है, एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज्ड है, डन, एंड इट इज फुल्ली चार्ज्ड, डन। अब हमने क्या किया? इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा, है ना। इनिशियली हमारा कैपेसिटर क्या था? ओपन सर्किट में था, नो चार्ज वाज फ्लोइंग। अब सर्किट कंप्लीट है, चार्ज फ्लो करेगा, करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ अभी के लिए नहीं करना, सिंपल ये करो कि केवीएल लिख डालो। चलो मैं ए से चलती हूँ इस डायरेक्शन में, मुझे सबसे पहले कौन मिलेगा? कैपेसिटर। इस पे चार्ज कितने हैं? इतने हैं। उसके बाद मुझे कौन मिलेगा? इंडक्टर। इंडक्टर के क्रॉस में कैसे जा रही हूँ? करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस साइन दूंगी, -LdIdt। यहाँ प्लस क्यों लिया? क्योंकि मैं प्लस माइनस से प्लस पे जा रही थी, लो पोटेंशियल से हाई पे जा रही थी। नाउ दिस इज द सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन द सर्किट एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू केवीएल, राइट? तो चलो ये मिला हमें। अब देखो इसको लिखते हैं। एक काम करो, LdIdt को, ये टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान से देखना, Q/C है। ठीक है,
एल डी आई बाई डी टी क्या हो गया तुम्हारा, क्यू बाई सी हो गया। अब देखो करंट को क्या लिख सकते हैं, तुम सबको पता होगा करंट को हम क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, सॉरी डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं ना। अब यहाँ पे करंट को क्या डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, ऑब्वियसली वी कैन राइट इट, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी केयरफुल कि ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये एक पॉजिटिव रेशियो होता है ना, रेट ऑफ एनीथिंग जिसका भी तुम रेट निकालते हो वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, डन। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो डी क्यू जो है वो इनहेरेंटली नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, टाइम के साथ घट रहा है, तो किसी भी टाइम पे उसके पास कम चार्ज है उसके पहले वाले टाइम से, राइट? तो अगर तुम चार्ज फ्लोन का डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे तुम्हारे पास 100 आम थे, घट रहे हैं, 90 बच गए, तो डिफरेंस क्या होगा, 90 माइनस 100, सो दैट्स डिफरेंस इज नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे भी वो डिफरेंस नेगेटिव है, बट मुझे रेट तो पॉजिटिव लिखने होते हैं, तो मैं क्या कैसे लिखूंगी इसको, माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है? चलो ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर में लिखूंगी इसको, क्यू बाई सी। क्यों ऐसे लिखा, आई को इसको जैसे देखो इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ तो क्या होगा, डी की जगह आई की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी बाई डी टी, यही लिखोगे ना। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी टू क्यू बाई माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो वही लिखा मैंने। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगी, डी टू क्यू बाई, ये इक्वेशन किसकी तरह दिख रहा है, एनीवन रिप्लाई, ऐसा इक्वेशन कभी पढ़े हो, ऐसा इक्वेशन कभी दिखा था, जल्दी से बताओ अगर दिखा है तो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया सबको, सब क्यों शांत हो गए हो इतने, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं तुम लोग टेक्स्ट कर रहे हो मुझे नहीं दिख रहा, मैं उसका भी इंतजाम कर लेती हूँ, बट ऐसा हो नहीं सकता। कोई तो बताओ ये इक्वेशन किसका है, नो रिप्लाई। तुम लोग 11th क्लास में बहुत मजे किए हो ना, जिंदगी के मजे लियो तुम लोगों ने, अब तुम्हारी जिंदगी मजे लेगी, है ना? वो भी कह रही होगी चलो हो गया अब तुम्हारा, अब हमारा टर्न है, मतलब जिंदगी का, मेरा नहीं। हाँ चलो फिर सही है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने इसका इक्वेशन लिखा ना, इसका इक्वेशन क्या आया, अभी अभी लिखा है सबने, क्या आया, माइनस सॉरी एल या फिर डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, माइनस वन बाई एल सी क्यू, यही आया ना। और तुम लोगों ने SHM पढ़ा होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम का SHM पढ़ा होगा, इसका इक्वेशन क्या आता था अगर याद कर पा रहे हो तो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है? यानी कि अगर इक्वेशन ऐसा है तो हम लोग बोलते थे कि चलो ये बॉडी SHM कर रहा है ना। अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता था कि पर्टिकुलर सिस्टम इज परफॉर्मिंग SHM और नॉट, तो हम क्या करते थे, उसका एनर्जी इक्वेशन लिखते थे या टॉर्क इक्वेशन लिखते थे, एंड इफ वी आर रीचिंग टू दिस देन वी यूज टू से कि हाँ ये सिस्टम SHM कर रहा है, ठीक है? लेट्स कंपेयर दिस टू थिंग। अब देखो फर्स्ट मैं इक्वेशन लिखती हूँ, फिजिकल सिस्टम का SHM डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आया है, एंड दैट इज हियर दिस माइनस वन बाई एल सी क्यू। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और कंपेयर करो। यहाँ पे देखो ये जो मास है इसको हमने अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स या फिर एक्स नॉट, सपोज अगर एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इसको लीव कर दिया, देन दिस मास विल परफॉर्म SHM ऑफ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट एंड इट्स इक्वेशन विल बी दिस। सिमिलरली इन दिस सर्किट इफ वी हैव अ कैपेसिटर इनिशियली of charge Q naught and we are connecting it to some inductor, it will start performing SHM
सच दैट इट्स चार्ज विल चेंज विद टाइम. यहाँ पे एक्स विल चेंज विद टाइम एंड हियर चार्ज विल चेंज विद टाइम. सो दोनों ही जगह ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और यहाँ पे चार्ज के वैल्यू के टर्म. तो अब कंपेयर करते हैं. सबसे पहला कंपैरिजन जो है वो यहाँ का एक्स यहाँ पे किससे रिप्लेस हुआ है, क्यू से. जब मैंने तुम लोगों को इंडक्टर पढ़ाया था तो बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर किसके बराबर था, हाफ एल आई स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर. और मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, सो करंट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वेलोसिटी एंड एल इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय एम. सो फिजिकल सिस्टम में बॉडी के इनर्सिया को कौन डिफाइन करता है, मास. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में इनर्सिया की बात कौन करता है, इंडक्टेंस. क्योंकि वहां पे अगर तुम इंडक्टर के अक्रॉस करंट भेजते थे तो बैक ईएमएफ जनरेट करता था, यानी कि वो कहता था कि मैं जैसा हूं वैसे रहूंगा, वो चेंज को अपोज करता था, इसलिए वो बैक ईएमएफ जनरेट करता था. ठीक है, तो एम जो है वो किससे रिप्लेस हुआ, एल. और डीएक्स वाई डी टी दैट इज वेलोसिटी गॉट रिप्लेस्ड बाय डीक्यू वाई डी टी दैट इज करंट, राइट. सो ये हुआ. अब आप यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर केयरफुली, एफ इक्वल टू, जैसे देखो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन है. ठीक है, सो इस केस में फोर्स को क्या लिखते हो, फोर्स को लिखते हो ना मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम है तो फोर्स को क्या लिखोगे, माइनस के एक्स. फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स. यहाँ पे यही तो ए है ना और ये एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम. तो अब आप ध्यान से देखो ओमेगा स्क्वायर है के बाई एम, है ना. और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 by LC. ठीक है, अब आप कंपेयर करो अगेन. सो कंपेरिजन कैसे बैठेगा, अब मास तो हमारा इक्विवेलेंट हो गया किससे, एल से. सो के विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 by C. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर. तो क्वेश्चन कभी कभी आया है कि कंपेयर करके बताओ कौन किसके एनालॉगस होगा. ठीक है, सो एक्स क्यू एम एल, सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी टू डी क्यू बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी टू करेंट एंड के इज एनालॉगस टू 1 by C. के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, सी इज कैपेसिटेंस, राइट. क्लियर है सबको, किसी को डाउट है, कुछ तो बोलो कोई भी. इतने चुप, अब तो मुझे डाउट हो रहा है तुम लोग सब स्कूल से ज्वाइन किए हो या मुर्दा घर से ज्वाइन किए हो, सीरियसली. इतने सन्नाटा तो स्मशान में भी नहीं होता, वहां भी लोग आते हैं अपने मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने, याद करने. तुम लोग क्या कर रहे हो, हेलो हेलो, नॉक नॉक, एनीवन हियर. कसम खा कर आए हो क्या, आज कुछ नहीं बोलना, आज मौन व्रत है. चलो देखती हूँ मौन व्रत कब टूटता है. एनीवे, चार्ज एंड करंट एंड एनी टाइम टी. अब देखो इनिशियली मैंने बोला था कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज्ड है इनिशियली. सो क्यू क्यू को इनिशियली मैंने क्या माना था, क्यू नॉट, कब इनिशियली, मतलब टी इक्वल टू जीरो टाइम पे. ठीक है, नाउ हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, वो ऑक्सीलेट करेगा बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, राइट. तो एसएचएम का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स का इक्वेशन कैसे लिखते थे, एक्स इक्वल टू लिखते थे एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो चलो लिखते हैं यहाँ भी, क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. नाउ फाइव का वैल्यू हम कैसे निकालते थे, बाय पुटिंग टी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, टी इक्वल टू जीरो कर दो, क्या मिलेगा,
एट टी इक्वल टू जीरो क्यू क्या है, क्यू नॉट है, तो साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा सॉरी साइन फाइव टी को जीरो किया है ना, तो साइन फाइव हो जाएगा, यानी कि फाइव का वैल्यू क्या हो गया, फाइव बाई टू। और अगर हमारा फाइव पाई बाई टू है तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, दैट इज योर कॉस फाइव, राइट। तो यहाँ साइन नहीं बचेगा, क्या बचेगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी, दिस इज क्यू। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि एलसी ऑक्सीलेशन में चार्ज एट एनी टाइम टी क्या होगा। सपोज क्वेश्चन में तुम्हें क्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि टी इक्वल टू वन सेकेंड पे बताओ चार्ज कितना होगा। सो यू विल पुट द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली अगर एलसी सर्किट में तुमसे पूछ रहा है करंट का वैल्यू बताओ, तो करंट कैसे निकालेंगे हम, माइनस डी क्यू बाई डी टी, वाई माइनस यू ऑलरेडी नो, नाउ डी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी, एंड इफ यू गोइंग टू सॉल्व इट क्यू नॉट ओमेगा हाउ मच इट विल बी साइन ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस था, कॉस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, सो दिस इज दिस, यानी कि करंट का वैल्यू क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम करंट इंटू साइन ओमेगा टी। और मैक्सिमम करंट का वैल्यू अगर तुमसे पूछता है एलसी ऑक्सीलेशन में कितना है, तो वो कितना होगा, क्यू नॉट ओमेगा। सो एट एनी टाइम टी यू कैन कैलकुलेट करंट ऑल्सो इफ यू नो क्यू नॉट एंड ओमेगा, ठीक है, चलो डन है। नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ज एंड करंट, तो चार्ज का क्या था, क्यू नॉट कॉस ओमेगा ओमेगा टी, और करंट कितना आया, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप ग्राफ बना लो, सो क्यू का ग्राफ कॉस के ग्राफ के जैसा होगा, आई का ग्राफ साइन के ग्राफ का जैसा होगा, ये होगा क्यू का ग्राफ और ये होगा आई का ग्राफ। अब आप देखो ग्राफ को अगर रीड करोगे, तुम लोग अब ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर हो, इवन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, इट डजंट मैटर, क्योंकि साइन कॉस cos curve is very much basic, so you all must be aware of कि इसका क्या significance होने वाला है। See here, at t equal to zero, charge is maximum, and at t equal to zero, current is what? Zero, है ना? ये current का graph है, current zero है। अब देखो पहली बार current कहाँ maximum हो रहा है, यहाँ पे pi by two पे, क्योंकि पहली बार ये maximum कब होगा, जब ये omega t pi by two हो, और जब ओमेगा टी पाई बाई टू होगा तो करंट क्या हो, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जब करंट मैक्सिमम होगा चार्ज जीरो। सो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। करंट और चार्ज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट एनी टाइम, चलो जल्दी से इसको करते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड को आप कैसे लिखोगे, एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, ठीक है, मैं एनी टाइम टी पे निकाल रही हूँ। सो एनी टाइम टी पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, या हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू के टर्म में वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ क्यू का स्क्वायर क्या लिखोगे, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू सी, दिस इज एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। नाउ लेट्स कैलकुलेट एनर्जी स्टोर ऑन इंडक्टर एट एनी टाइम टी, कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई का स्क्वायर, आई कितना था, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ लेट्स चेक हियर, ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, मैंने बताया था तुम लोगों को ओमेगा किसके बराबर है, है ना, ओमेगा यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, वन बाई एल सी। सो एल सी ऑक्सीलेशन सर्किट में ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, वन बाई एल सी, तो आप इसको वैल्यू पुट कर दो, हाफ एल ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे, एल सी क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एल कैंसिल होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट, राइट। नाउ व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, अब देखो टोटल एनर्जी क्या होने वाला है, टोटल एनर्जी होगा हमारा ई एल प्लस ई सी। अब आप इसको एड कर दो, एड करोगे कॉमन ले लो इसे,
और क्या मिला मुझे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस इज इक्वल टू 1 क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अब आप ध्यान से देखो, एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस सिस्टम, सिस्टम में क्या क्या है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है, ऑन दिस सिस्टम एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, इनिशियली जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज था, तो इनिशियली कैपेसिटर ऐसा था, फुल्ली चार्ज था। अगर एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है इनिशियली, इनिशियली उस पर कितना एनर्जी होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। सो अगर इनिशियल सिचुएशन तुम ध्यान से देखो, तो मेरे पास एक कैपेसिटर था फुल्ली चार्ज और एक इंडक्टर था ऐसे, डन। तो इस पे तो टोटल चार्ज एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। थ्रू इंडक्टर नो करंट वॉज गोइंग थ्रू, सो एनर्जी स्टोर्ड ऑन इंडक्टर इनिशियली वॉज वॉट, 0। बट टोटल एनर्जी इनिशियली वॉज हाउ मच, दिस प्लस दिस, दैट इज क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। एंड टोटल एनर्जी एट एनी टाइम टी इज वॉट, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, यानी कि एनर्जी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ऐसे भी हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, पावर कंज्यूम नहीं करता, उसी तरह से इंडक्टर है वो भी पावर कंज्यूम नहीं करता, है ना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमने पढ़ा था। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी टाइम के साथ कॉन्स्टेंट होगा और ये जो ऑक्सीलेशन है वो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन होगा, डैम्प्ड नहीं होगा इन आइडियल केस। बट इन रियल केस व्हाट हैपेंस, रियल केस में क्या होता है कि अगर तुमने कोई भी इंडक्टर लिया है, इसमें कुछ ना कुछ आर का वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा इंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है जिसके पास रेजिस्टेंस ना, और अगर रेजिस्टेंस है तो वो पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि उसकी टोटल एनर्जी जो सिस्टम की थी ये धीरे धीरे घटेगी, एंड दैट ऑक्सीलेशन विल बी डैम्प्ड, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, ऑक्सीलेशन विल डाई आउट। अनदर सोर्स ऑफ डैम्प और अनदर रीजन बिहाइंड दिस ऑक्सीलेशन बिकमिंग डैम्प्ड इज व्हाट, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज है ऐसा, और तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, जो करंट जा रहा है आई इक्वल टू क्या दिखा था, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये करंट कैसा है, ये करंट ऐसा है, यानी कि एसी करंट है, और एसी करंट होने का मतलब क्या हुआ, लाइक मीन साइन विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज, ठीक है। और अगर साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर साइन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, मैं इस रीजन को तुम लोगों को तब बताऊंगी जब मैं ईएम वेव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं याद रखूंगी, एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अनदर रीजन बिहाइंड दिस ऑक्सीलेशन बीइंग डैम्प्ड। एक रीजन मैंने बताया, कीप दैट विथ योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल लर्न दैट आल्सो, व्हाइल आई विल डिस्कस ईएम वेव इन द लास्ट ऑफ योर टॉपिक्स, ठीक है। अब आप देखो, ग्राफ अगर तुम्हें बनाना है, ईसी का ग्राफ बनाना है, ईसी कितना आया था, क्यू नॉट एट एनी टाइम टी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2c। सो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ तुम्हें अगर बनाना है तो जो भी नेगेटिव है उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिव। तो हमारा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। सो दिस इज द ग्राफ। सिमिलरली इफ यू हैव टू ड्रॉ ई एल क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई हाउ मच, सॉरी हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कुछ ऐसा था ना, रुको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ ई एल, हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड इट्स ग्राफ विल बी, and if you have to draw what, if you have to draw the graph of total energy for ideal oscillation, ideal oscillation कहने का मतलब कि damped नहीं है, in that case total energy will remain constant, तो ऐसा graph होगा, q not square by 2c इसकी value होगी। so this is the graph part, you can combine these two graph in one system and you can read it, ठीक है, so that part you can do। Now we will discuss transformer. तो चलो इसको हॉले हॉले डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तुम्हें बस कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और थोड़ी सी चीजें याद रखना है, फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं इसका काम क्या है।
ये 1 वोल्टेज लेवल को अनदर वोल्टेज लेवल में चेंज करेगा। बेसिकली अगर मेरे पास हाई वोल्टेज है, जैसे जहां पे पावर जनरेट हुआ वहां पे काफी हाई वोल्टेज पे पावर जनरेट होके स्टोर्ड रहता है, राइट। उसे अगर घर तक पहुंचाना है, घर पे सप्लाई करनी है, तो ट्रांसफार्मर बीच में लगानी पड़ेगी टू रिड्यूस इट्स वोल्टेज, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज घर तक पहुंच गया तो सारे अप्लायंस टूट जाएंगे। सो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हाई वोल्टेज को हाई से लो करना या लो से हाई, एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। सो दिस इज द वर्क। नाउ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तुम्हारे अगर बोर्ड में पूछता है तो स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्क, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, एक तो होता है कि वो है क्या, दूसरा होता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तीसरा उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो देखो इसमें सेट ऑफ टू कॉइल्स होते हैं, बेसिक यहाँ पे यही है, ठीक है, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम कॉइल को, हमारे पास दो कॉइल होगा है ना ट्रांसफार्मर में, एक कॉइल को हम क्या बुलाएंगे, प्राइमरी कॉइल, दूसरे कॉइल को क्या बुलाएंगे, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। दो कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी को रखना कैसे है, तो कैसे रखेंगे, रैप करने का दो तरीका होगा। एक तो रैपिंग फर्स्ट केस जैसा होगा जो तुम्हें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरे केस में रैपिंग ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर ही रैप कर दिया और यहाँ पे अलग अलग लिंब में रैप किया, ठीक है। अब ये जिस पे रैप कर रहे हैं वो क्या है, वो है तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, टू कॉइल चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर भी चाहिए, ठीक है। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज कर रहे हैं, तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने सोलेनोइड में पढ़ाया था कि सोलेनोइड में अगर करंट फ्लो करता है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, और अगर मुझे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मैग्निफाई करना है तो मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दूंगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैग्नेटाइज हो जाएगा और यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होगा। तो यहाँ भी हमने कुछ सिमिलर पर्पस के लिए रखे हैं, ठीक है, डन है। अब आप देखो प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के पास कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको हमने एनपी बुलाया, और सेकेंडरी कॉइल जो जिसके पास भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको एनएस बुलाएंगे। प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल भी बोलते हैं और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब चलो चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं और वन बाय वन देखते हैं क्या है, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखो, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी द रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच लिंक्स द सेकेंडरी एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। इसका क्या मतलब है, तो तुम लोग इसको बहुत ही इजिली समझ पा रहे होगे। जैसे हमारे पास अगर एक कॉइल है, ठीक है, सपोज कर लो ये प्राइमरी है, प्राइमरी कॉइल को ही हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट करते हैं, डन। तो प्राइमरी को ही कनेक्ट करते हैं। अब प्राइमरी को सपोज कर लो जो पावर स्टेशन पे जो पावर जनरेट हुआ उस पावर को मैंने प्राइमरी से कनेक्ट कर दिया, प्राइमरी से कनेक्ट करूंगी करंट फ्लो करेगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा, करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर करंट चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल जिसको हमने किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो फ्लक्स है प्राइमरी के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी में लिंक होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। और अगर सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हो रहा है तो सेकेंडरी के थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि प्राइमरी के थ्रू चेंज हो रहा है, तो जहां भी फ्लक्स चेंज होता है वहां पे क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। तो देखो प्राइमरी में भी ईएमएफ जनरेट होगा, वो होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकेंडरी में फ्लक्स कहाँ से लिंक हो रहा है, प्राइमरी से, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। सो यहाँ पे बात किया गया है कि प्राइमरी से में करंट फ्लो करने की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक हुआ, और एंड सिंस करंट इज चेंजिंग इन द प्राइमरी ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, राइट। So that is happening. Now, the value of this EMF depends on the number of turns in the secondary. क्योंकि देखो secondary में जितने number of turns होंगे उतने ही ज्यादा flux linkage होगी,
फर्स्ट कॉइल के थ्रू लिंक हुआ, सेकंड के थ्रू हुआ, थर्ड के थ्रू हुआ. इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर फ्लक्स लिंकेज, ठीक है. एंड मोर फ्लक्स लिंकेज मीन्स मोर ईएमएफ. क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिखते हो, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी. सो दिस इज रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, एंड मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर विल बी द रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, राइट. सो मोर द ईएमएफ. क्लियर है? If you consider an ideal transformer, अब देखो हर जगह एक ideal की बात हम करते ही करते हैं. So if we are considering ideal transformer, primary has negligible resistance, ठीक है. Ideal transformer define करने का दो केस होता है, मैं तुम लोगों को यहाँ बता देती हूँ. इसके दो केस होंगे, कहाँ ideal लिखा है, यहाँ लिखा, ठीक है. इसके दो केस होंगे. पहला तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो primary coil है, प्राइमरी कॉइल है जिसको कि हमने इनपुट कॉइल भी बोला है, उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा. और सेकंड कंडीशन ये होगा कि जो भी प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी में लिंक होगा, दैट इज 100% फ्लक्स लिंकेज. अगर ये दोनों केस फुलफिल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है. और ये रेजिस्टेंस जीरो होना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी जो कॉइल है वो इनपुट कॉइल है, वहां पे करंट दे रहे. अगर उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो पावर को कंज्यूम कर लेगा, यानी कि इनपुट पावर पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो दैट वोंट बी एन आइडियल केस, दैट विल बी द रियल केस, ठीक है. तो ये है. अब आप देखो, अब हम लोग मैथमेटिक्स पे जाएंगे, सॉल्व करेंगे. So let phi be the flux in each turn in the core at time t due to current in the primary when a voltage Vp is applied to it. कहने का मतलब कि अगर मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, इसमें हम लोगों ने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, Vp, तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंकेज है एक टर्न के थ्रू, सपोज कर लो phi है, ठीक है, एट एनी टाइम t, सिंगल टर्न के थ्रू फ्लक्स लिंकेज क्या है, phi है. दिस इज द केस, राइट. देन वॉट वी विल राइट, EMF generated in secondary will be equal to minus NS d phi by dt. I have already discussed it, right? Alternating flux also induces an EMF called back EMF in the primary. मैंने बोला था primary coil में भी EMF generate होगा because of self inductance. So that will be equal to minus NP d phi by dt. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, but EP equal to VP. EP को हमने क्या रखा है? VP के almost बराबर रखा है. और ये बराबर कब होगा? जब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है. क्योंकि अगर जीरो नहीं हुआ तो ईपी जो है तुम्हारा वो रेजिस्टेंस पे भी कुछ ना कुछ फॉल कर जाएगा, एंड इन दैट केस ईपी वॉन्ट बी इक्वल टू वीपी. सो वी आर कंसिडरिंग आइडियल केस अगेन, एंड वी आर राइटिंग ईपी इक्वल टू वीपी एंड ई एस इक्वल टू वी एस. ये तो सिमिलरली होगा, जैसे एक है ईएमएफ, ई का मतलब EMF डिनोट कर रहा है और V का मतलब वोल्टेज. तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वोल्टेज डिफरेंस क्या, सॉरी, किसी भी बैटरी के अक्रॉस EMF का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है. तो हम लोग लिखते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR. तो V और E बराबर कब होगा? जब I जीरो होगा या R जीरो होगा, ठीक है. सो इन सेकेंडरी कॉइल तो ओपन सर्किट है ना, तो वहां पे तो आई का कोई केस ही नहीं है, आई नहीं है, तो वी विल बी इक्वल टू ई, दैट इज वाई ई एस इक्वल टू वी एस, ठीक है. इसलिए ई एस को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, वी एस लिख सकते हैं, ठीक है, थीके? और ईपी को क्या लिख सकते हैं, वीपी. सो हमने इसको रिप्लेस कर दिया. अब देख, अगर इन दोनों को, जैसे इन दोनों को अगर रिप्लेस किया है तो वीपी बाई वी एस अगर करोगे, वीपी बाई वी एस करोगे तो क्या मिलेगा, NP by NS. So this is the first equation that we are getting. This is first equation, right? So mil gaya hame first equation. Ab dekho, ideal transformer ka another case hum le rahe. Input power will be equal to output power. This is the ideal case. So IP VP will be equal to IS VS. Ab yahan se aap dekho, IP by IS kiske barabar hoga? IP by IS VS by VP. And this is equal to what? NS by NP. So, अगर इन दोनों को लिंक करो तो क्या लिखोगे आप? तब आप लिखोगे कि IP by IS is equal to NS by NP. This is second equation. Either you call it second equation and this is the combined equation. Both first and second is contained here. ठीक है? So this is the equation you need to remember. Done? How questions will get asked and what are the other terms that we need to understand? तो एक term है हमारे पास. एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. अब देखो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है?
सपोज कर लो कि जो हमने प्राइमरी में जो वोल्टेज दिया वो हमारा वीपी था, ठीक है, और जो सेकेंडरी में जनरेट हुआ वो हमारा वीएस है। स्टेप अप करने का मतलब वोल्टेज को अप कर देना। सो इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर व्हाट विल हैपन, वीपी विल बी ग्रेटर, सॉरी वीपी विल बी लेस देन वीएस। सो वी आर स्टेपिंग अप द वोल्टेज, वी आर इंक्रीजिंग वोल्टेज, राइट। सो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वीएस विल बी ग्रेटर देन वी, एंड इट इज ओनली पॉसिबल, जैसे वीएस बाई वीपी किसके बराबर था, एनएस बाई एनपी। सो इफ वीएस इज ग्रेटर देन वीपी, एनएस शुड बी ग्रेटर देन एनपी। यानी कि अगर मुझे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर्स ज्यादा रखेंगे रादर देन प्राइमरी, ठीक है। इट्स ऑपोजिट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एंड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटाना है, यानी कि वीएस विल बी लेस देन वीपी, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा ना वो इनपुट वोल्टेज से छोटा होगा, तो हमें वोल्टेज को घटाना है, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। एंड हाउ वी विल अचीव इट, एनएस शुड बी लेस देन एनपी, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि उसके कॉइल नंबर्स कम हो एनपी, सॉरी प्राइमरी, ठीक है। चलो आई होप इज इट क्लियर फॉर एवरीवन। तुम लोग फास्ट रिप्लाई दे दोगे तो मैं तुम लोगों को ये भी डिस्कस कर दूंगी कि आइडियल ट्रांसफार्मर होने के रास्ते में क्या क्या हिंड्रेंस है, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब रेजिस्टेंस 0, फ्लक्स लिंकेज 100%, ये क्यों नहीं हो सकता, दैट आई विल डिस्कस वेरी सुन। जस्ट लेट मी नो फर्स्ट, एनीवन हैविंग एनी डाउट। देखो 2 मिनट है, 2 मिनट में दुनिया बदल सकती है। अर्थक्वेक कितने टाइम का होता है, सम सेकंड्स, एंड इफ इट इज ऑफ रियली सम वेरी ग्रेट मैग्निट्यूड, व्हाट विल हैपन विद इन दैट सेकंड, ऑल द वर्ल्ड विल बी सिंपली फ्लैट, ओनली डेब्रिस, है ना। सो वी विल गेट रिड्यूस टू डस्ट। सो 30 सेकेंड हैज दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, यू हैव 2 मिनट्स, कन्वे योर डाउट्स फास्ट। क्या हो गया यार, आज तो तुम लोग बोलो, अब तो मैं बोलने वाली नहीं हूं, अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं 3:55 में चुपचाप वीडियो ऑफ करके चली जाऊंगी। वाह, बोलना तो दूर की बात, लोग जा रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ना, ठीक है, चल। कौशिक, जयदीप, अबुजर, कौन कौन है और, मनीष, महक, आस्था, हार्दिक, उदय, कोई तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है फिर, एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे साइलेंट, सेव योर एनर्जी फॉर योर फ्यूचर वर्क, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय, टेक केयर, एंड टुमारो ज्वाइन ऑन टाइम, ओके, बाय।